तो फ्रेंड्स काफ़ी दिन के बाद, मतलब दिन के बाद क्या, पहली बार मेरी गाड़ी धुल रही जब से मैंने ये वाली इको स्पोर्ट परचेस किया हूँ। अभी फर्स्ट टाइम वॉश हो रही है, साफ सुथरी हो जाएगी तो ज़रा अच्छा रहेगा। इसके मैटिंग इधर पड़े हुए हैं। मम्मी को बताओ, मम्मी बताएंगे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। कहाँ जा रहे मम्मी? जा रहे पलावा, हॉल में जा रहे हम लोग। क्यों जा रहे भाई? क्यों जा रहे हैं वो तुमको ही मालूम, दो लोगों में तुम्हारे साथ। तुमने बोला चलो मम्मी मैं आ रही हूँ। हम जा रहे हैं घूमने, और 15 अगस्त की लास्ट सेल थी जूडियो में, तो जरा देख लेते जूडियो में कुछ है क्या अपने काम की चीज, देखते हैं घूम फिर के खा पी के रिटर्न आ जाएंगे। देखने में क्या फर्क पड़ता है, देख के आता ना। हाँ भाई आज छुट्टी 15 अगस्त की, इसके लिए निकले। मुझे दूसरी गाड़ी ले आना, चलाने मौका ही नहीं मिलता है कभी, इसके लिए ये बहाने थोड़ी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, घूम के भी आ जाएंगे, मॉल भी थोड़ा टाइम पास, मम्मी ये लोग भी घर में रहते ही है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। इसके लिए चलो निकलते थोड़ी ड्राइव पे, थोड़ा सा घूमने के हिसाब से जाते। बहुत दिनों से कहीं जाना भी नहीं हो रहा, गांव इधर उधर। हां गांव तो सब पापा नहीं है तो निकल। हां मेरे पापा अकेले अकेले घूम रहे खाली। पापा ने छोड़ दिया है अभी। पापा दो दिन के लिए आए थे, फिर निकल गए आज ट्रिप पे, पापा की 5 दिन की ट्रिप पे बाय रोड, फिर आएंगे फिर जाएंगे। पापा अभी घूम रहे भाई, अब क्या बोले जाने, मम्मी को छोड़ छोड़ मजा करे तो हम भी मजा करेंगे। हाँ ठीक है गाइस, तो पलावा मॉल के पास पहुँच के देखते हैं, आपको दिखाते कुछ इंटरेस्टिंग है या नहीं है वहाँ पे। इतना सेल मचा के रख दिए इंस्टा पे लोग ने जूडियो के नाम की, तो वो देखते हैं क्या है। ठीक है, और लोग पहुँच गए पलावा के पास में। अब ये पास में पड़ता है ना घर के, तो इसके लिए यहाँ पर ही हम लोग मोस्टली मुमरा के सारे लोग अभी यहीं पर आते, पहले ढाना में विवियाना वहाँ पर तो अभी भी जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा करीब में पड़ता है, फटफट इंसान पहुंच जाता है, घूम लेता है, खा पी लेके फैमिली के साथ घर पे वापस आ जाता है। लेकिन अब इतना आगे से इन्होंने यू टर्न दिया है ना, और कहीं पे टर्न नहीं है वहाँ से आते टाइम, और पूरा ट्रैफिक है। कम से कम मेरे को यहाँ पर ही आधा घंटा लग गया मॉल के बाहर पार्किंग में, गाड़ी ले जाते दो दो तीन तीन लेन बन गई। वहाँ के रहवासी जो रेजिडेंशियल लोग हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती रहेगी गाड़ी लाने ले जाने के लिए, हमको इतना प्रॉब्लम हो गया मॉल के अंदर गाड़ी डालते टाइम। गर्दी बहुत है, अभी 15 अगस्त का आखिरी दिन है सेल का, इसके लिए जो इतनी लंबी लाइन है खाली बिलिंग के लिए, इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे, बाप रे बाप। ये जूडियो को है ना कपड़ों का और मेकअप का, जो लेडीज जो सारी कपड़े उपड़े मिलते हैं उसका, वो बोल सकते डीमार्ट है ये, डीमार्ट। यहाँ पर इतना है कि डेली वेयर के हिसाब से पहन सकते हो वो, बाकी एकदम इतना कुछ खास कलेक्शन नहीं है, जो नॉर्मल शॉप पे इससे अच्छे कपड़े मिल जाते वही रेट में। हाँ कुछ अलग जैसे फंकी जैकेट्स है, जॉगर्स है, ऐसे यूनिक कपड़े मिल जाते हैं। और ये शूज़ है जो प्राइस इन्होंने लगाया है, वो शूज़ का उतना कोई देगा ही नहीं, उतने सड़ेले क्वालिटी के शूज़ है रहे, मतलब खाली दिख रहे ऊपर से कलरफुल। Thank you.
मम्मी को मॉल की सीढ़ी से डर लगता है, उनको मैं बता रहा था मैं हूँ, चलो लेके चलता हूँ। सीढ़ियों को घूर रहे थे मम्मी अभी। तो कर सकते अपन भी, तुम्हारे लिए कर दो बंद। अरे टाइम पता बच्चे लोग बहुत मतलब मैं मॉल में आता हूँ डी आई वाई में ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। तो मैंने ये एक चीज़ ये ले लिया, स्किड प्रूफ मोबाइल वगैरह सामान वगैरह रख सकते हैं इसके लिए, कार के लिए मतलब। चल दूसरी नई गाड़ी लिया एक और एक, तो इसमें यूज़ कर लेंगे। और मम्मी ये लोग भी सब चीज़ें पे नज़र मार रहे थे, कुछ काम का है कि नहीं। वैसे तो सब कुछ है अपने पास, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर एंटिक चीज़ें बहुत देखने मिलती है डी आई वाई में। ज़ूडियो से अच्छा तो मुझे ये लगता है सही में, ज़ूडियो भी ठीक है। तो ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, थोड़ा खाएंगे, भूख लग गई है, खाना वाना खा के फिर घर की ओर निकल जाएगी। सामान क्लीनिंग करवा रहा था तो मम्मी लोग पहले ही ऊपर आके बैठ गए थे। क्या खा रहे? और हमने सारी चीज़ें जो भी होती है सब चीज़ बॉयकॉट कर दिए है, बर्गर किंग मैकडी ये वो, हम लोग कुछ अच्छा दूसरा ही इंडियन ही खाते हैं भाई। तो अब यहाँ पर फाइव स्टार करके है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आगे जम्बो किंग भी दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहले मेन्यू देख लिया हूँ, पर जम्बो किंग हम लोग जा रहे थे वहाँ पे जाके पता चला ये तो सिर्फ वेज है, और इसके लिए हमने वापस से फाइव स्टार का ही सब मील वगैरह बर्गर वगैरह ले लिया। यहाँ पर इतनी गर्दी थी ना भाई, जगह की और कुर्सी की इतनी मारा मारी थी। हमारे बाजू हम जबकि हमारे टेबल पर बैठे बाजू में एक फैमिली आके बैठ गई थी, साथ में ही बैठ के उन्होंने भी खा लिए थे, वो भी मुमरा वाले ही निकले लकीली। तो बस खा के अब हम निकल रहे, हम लोग निकल गए मॉल में से, हमारा काम हो गया बेसमेंट में से घूम घाम के खा पी के निकल लिए। ज़ूडियो में भी कुछ इतने बराबर जैसे अपन अपन कपड़े मिलते वैसे नहीं थे। और मम्मी मुस्कुरा रहे बिना वजह अकेले अकेले, क्या बात है? किसके ऊपर से?